सो फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल अफसाना, एंड जानना चाहूंगी जिस तरह से आपकी जर्नी रही है, इतना एंटरटेनिंग रही है कि ऑडियंस अभी बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रही है. सो जिस तरह से आपका एलिमिनेशन हुआ और आप जिस तरह से एलिमिनेट हुए, सबका मतलब अलग ही एक शॉकिंग रिएक्शन आया. आप क्या कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी को लेकर, अभी तक का जो आपका रहा है सफर? बिग बॉस एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी स्टेज है. बहुत लकी पर्सन होते हैं जिनको मिलती है, और उन लकी पर्सनों के बीच में मैं हूँ. सो मेरा ड्रीम था, वो पूरा हुआ. तो मैं जैसे एंटर की थी, मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे एंटर कर गई हूँ, चाहे अभी बाहर हो जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो वही बात है कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ. और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स जैसे चली जाती है, मैं जैसे पहले जाने से पहले मुझे बिग बॉस ने क्वारंटीन किया, तो मुझे क्वारंटीन में ना मैं अकेली कभी रही नहीं. अकेली जब रही नहीं तो मुझे 10 दिन का क्वारंटीन था, तो मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए. तो मैं बीमार होगी, मैंने क्विट किया, वापस चली गई. एक दिन मैं वापस आके फिर मैंने स्टार्ट किया आके, तो मेरी मेडिसिन चली. मेडिसिन चलने के बाद जर्नी शुरू हुई. पता चला 1 वीक तो बंदा वैसे खोया खोया रहता है. ऊपर से मैं तो बीमार एंटर की थी, तो सरवाइव करना था, ऊपर से जंगल थीम था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा भी आ रहा था. बट कहते हैं ना कि कुछ दिन वो लोग अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो ही चुभने लग जाते हैं. तो वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ. बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे आज भी, तो मैं भी उनको करती हूँ. तो बहुत सारे मेरे वहाँ पे हेटर्स भी बने हैं, कंपटीटर भी बने हैं, जिनको मैं स्ट्रांग लगी और जिनकी वजह से उन्होंने मेरे साथ पंगेबाजी स्टार्ट कर दी, और जिनकी वजह से मैं आउट हो गई हूँ उस घर से. अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो सबके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, और जिस तरह से एंटरटेनमेंट आप सबके साथ अपना जो आपका ओपिनियन है वो खुलकर आ रहा था आपका, और वही ऑडियंस को पसंद आ रहा था. तो बॉन्डिंग को लेकर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सबके साथ कि किस तरह से आपका घर में सबसे अच्छा बॉन्ड रहा है? सबसे पहले बता दूं कि मैं नेचुरल हूँ, जो हूँ मैं अभी भी आपके सामने और घर के अंदर भी. तो मुझे फॉर्मेलिटी नहीं आती, मुझे कोई एक्टिंग नहीं आती, मैं जो भी हूँ मुंह पे हूँ, और मुझे सच हमेशा पसंद लगता है. सो बॉन्डिंग की बात करते हो, कर्म कुंद्रा के साथ मेरा भाई का प्यार था, प्रतीक भी मुझे बहन मानता था, उमर रियाज मेरे को हम फ्रेंड थे अच्छे वाले, तेजस्वी भी अच्छी दोस्त थी, और बाकी सब पहले चले गए थे, वो सारे फ्रेंड ही थे क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो गए थे सारे. तो शमिता शेट्टी जो आंटी जी है, वो मेरे आंटी जी थे उस घर में, और उनको आंटी बोलूँगी क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, और ऊपर से इतने फिट हैं, अच्छा लगता है. और उनको आंटी कहाना शायद डिफिकल्ट लगता है. मैं अगर उनकी एज में होती और मुझे कोई बोलता है कि आप आंटी और इतने लगते नहीं हो, तो मैं तो उसको प्लस पॉइंट लेती. शमिता आंटी मेरी दुश्मन बनी उस घर में. सो मैं आज से, और मैं आज से नहीं, मेरा पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान उसको शमिता आंटी से बुला रहा है, पुकार रहा है. सो वो मुझे बहुत बदतमीजी करने वाली लेडी लगी उस घर में. बस बहुत सारी चीजें ऐसे हुई, जैसे मतलब सलमान खान भी उस पर रिएक्ट करते थे, जैसे ये प्रतीक को लेकर हुआ, या फिर जय को लेकर हुआ, या फिर आपकी अगर बात की जाए तो आपकी भी ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े हुए, उस पर सलमान खान भी स्टैंड लेते थे. आपका क्या कहना है कि कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ है जिसमें बहुत ही ज्यादा अनफेयर हुआ है? मेरे साथ अनफेयर, मैं सलमान भाई को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. जैसे मैंने एंट्री की थी, मैंने बोला था कि भाई मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, और मैं बनी. क्या हुआ कि ठीक है, हम पंजाबी होते हैं, हम रोते भी खुलेआम हैं, बोलते भी खुलेआम हैं, हम ना दिल में नहीं कोई बात रखते, हम दिल दिमाग मुंह जो भी आया बोल देते हैं, स्वभाव के खुले होते हैं. ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि पंजाबी कैसे होते हैं. तो मैं पंजाब से थी बेसिकली, तो इसीलिए मुझे इस शो में ऐसा था कि जो मुझे रूल पता था कि किसी को हम मार नहीं सकते, किसी को हम गाली नहीं दे सकते, और मतलब ऐसा पता था मुझे. तो जब मैं गई तो मुझे लड़ाई मेरी शमिता के साथ हुई, आंटी के साथ. तो मैंने उनको बोला कि ये वो है ना, ऐसा लड़ाई हुई बला बला. सो आगे से वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, और लड़ाई किसी और की थी, वो बीच में घुसी थी. घुसने के बाद
क्या हुआ कि एक तो होता ना इंसान के, मैं आपको बोल रही हूँ और आप बिल्कुल शांत हो भी, मैं तो कुछ बोल नहीं रही, वो ऐसा रिएक्ट करती है, बट वो बहुत बोली, उनके पॉइंट नोट नहीं किए गए वीकेंड के बारे में, मेरे पॉइंट नोट किए गए, मैंने उसको बुड्ढी बोला, मैंने उसको बदतमीज बोला, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बोलती हूँ, और वो लोग करते नहीं है एक्सेप्ट. सो क्या हुआ, वीकेंड के बारे में सिर्फ मेरे पॉइंट नोट करके बोला गया कि अफसाना तूने इनको ये बोला, तूने ये बोला. भाई ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया और वो 3 वीक्स में इतना अच्छा चली समझने के बाद कि शायद हाँ नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगी शमिता शेट्टी आंटी जी से. सो उसके अलावा जब शमिता के लिए कोई आउट ऑफ बाहर से कोई सेलिब्रिटी आता था, जैसे देवोलीना आई, देवोलीना ने बोला कि शमिता मैं एक ऑडियंस और एक ऑडियंस के व्यू से बोलना चाहती हूँ कि जैसे अफसाना ने आपको बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो समझाने के बाद उसने सॉरी भी बोला, क्या तुम आगे से चुप रही थी? तो बोली हाँ मुझे बुड्ढी बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, तो मैं कैसे रहती. वैसे कहती है आप चुप रही, मुझे ये जवाब दो. तो बोली तुम होती कौन हो? देवलुना को पड़गी वो बोलने के लिए, मतलब उसको अकल तक नहीं है, इतनी उम्र उसकी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे उसको अकल और आएगी. तो क्या हुआ, हम सब ने उसको बोला कि चुप रहो चुप बोलो. बोली कि तुमने अफसाना को बोला था घटिया औरत, और बोली मैंने कब बोला, कैसे बोला, मैं तो बोला ही नहीं. मेरे पास अभी भी फोन में वीडियो है जो मुझे टैग बज रहे हैं, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो शमिता ने बोली और उस अंदर शो के अंदर, और देवोलीना उसके साथ बहस कर रही थी कि तूने बोली है, और वो कह रही थी कि नहीं मैंने बोली नहीं है. सो ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी होती है कि वो झूठी है तो मुझे झूठी औरत बुलाती है, तो वो सच में खुद झूठी है. तो मेरे को वीडियो अभी ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाए तो अच्छी है. बहुत सारी बातें होती हैं जो खुदा, वो वीडियो कहाँ है? देवोलीना वाली, देवोलीना वाली तो है, तेरे पास है? मेरे पास नहीं है अभी. अगर घर में मास्टरमाइंड की बात की जाए तो उसमें आपको कौन लगता है कि मास्टरमाइंड की तरह वो गेम प्ले कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी. हां जी, क्योंकि वो प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है. ये तो है नहीं, या फिर उनके फोन में. वीडियो तो मेरे पास होगी, ऐसा तो नहीं है. वीडियो इतनी थी ना कि पूछो मत. कौन सी वीडियो है? वो ऐसी थी कि वो मुझे बोल रही थी, अब टैग बज रही थी, तो वो बोल रही थी कि तुम, मैंने कब बोला अफसाना को घटिया औरत, और वो बोली थी तुम बाहर आके देखना शो में, तेरे को पता चलेगा. हाँ, उसने बोला ना तुम लोग चला दोगे क्या वो वीडियो? हाँ, ये थी, आगे मिल गई, मिल गई. शमिता तो जब देवोलीना आई थी तो हाँ. देवोलीना के साथ, एक सेकेंड, जब देवोलीना आई थी कि उसके साथ उसने बहुत खूब बहस की, और उसके जाने के बाद भी उसको बदतमीज घटिया ये सब उसने बोला कि हाँ ऐसी है. ये वीडियो वो है जहाँ पे बोली थी और देवोलीना ने बहस की थी उसके साथ. सो मैं जो कहती हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो कहती है ये मुकर जाती है. इसने बोला है, ये वीडियो प्रूफ आप जरूर दिखाना. सो रही बात अब की, तो मास्टरमाइंड सब फुद्दू लग रहे हैं वहां मेरे को. गेम के पीछे ना
गधे को बाप बोलने वाले लोग वहां पे अंदर हैं, मैं उन लोगों में से नहीं थी। मेरी आप लाइव भी देखते होंगे, वैसे भी वीडियो क्लिप्स आते होंगे, मैंने किसी के प्रति कोई गेम, कोई चुगली, ये वो कभी नहीं की। की होगी तो नॉर्मल बात की होगी कि हाँ भाई, मैं तो यही पूछती कि मैं कहाँ तक जाऊंगी शो में, कहाँ तक जाऊंगी शो में। मुझे इंटरटेन करना था और खुश मजाज रहती थी, अपनी मौज में रहती थी, और जो ड्यूटी मेरी होती थी वो करती थी अच्छे दिल से। क्लीनिंग की ड्यूटी करती थी मैं, तो मैं हमेशा सोचती कि बिग बॉस के घर की ट्रॉफी अकेली जीतनी नहीं होता, उस घर को क्लीन रखना भी होता है। आप चार बर्तनों के पीछे लड़ाई कर रहे हो, हंगामा मचा रहे हो फालतू का, मैं क्या मैं करने में आ जाऊं ना आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी मॉर्निंग उठती थी करती थी, और बिग बॉस की ट्रॉफी के पीछे आप लड़ रहे हो, मैं क्या कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है। शमिता आंटी और सब जो जय भानुशाली, एक नंबर बदतमीज इंसान है वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी बेड की चादर तो उनको तय नहीं लगानी आती थी मॉर्निंग उठने टाइम, बातें मेरे से करते थे। सो दैट्स व्हाई बहुत सारी बातें अंदर की। तो तीसरी बात, मास्टरमाइंड कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता, सब भेड़ चाल है। डोनर और विधि को भी सबने भेड़ चाल करके ही निकाला था, वो दुनिया को दिखता है। सो जानना चाहूंगी आपसे, जैसे आपका एलिमिनेशन हुआ, नाइफ को लेकर बहुत ही एक अलग बवाल उठ गया सबके मन में, किसी के मन में कुछ ओपिनियन हो रहा है, किसी के मन में कुछ अलग सोच आ रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज को लेकर? सेलिब्रिटी जैसे मेंटल के बहुत सारे मेंटल हेल्थ के क्या बोलते हैं क्लब्स खोलते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं ये वो, तो ये सब फॉर्मेलिटीज है मेरे में, मैं समझती हूँ। जैसे मैं पहली बात तो मैं शमिता शेट्टी आंटी को सेलिब्रिटी मानती नहीं हूँ।